सभी सुनने वालों का बॉबी टॉक सिनेमा की इतना तो याद है मुझे पॉडकास्ट सीरीज में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उस बेशकीमती अंग की जो इस नई सदी की आपाधापी में कहीं गुम सा हो गया है, और साथ ही सुनेंगे एक आवाज को जो आज भी हमें उस बड़ी कमी का एहसास दिलाती है। फिल्मों के इतिहास पर नजर डालें तो गीत हमेशा से हमारी फिल्मों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और उनके आकर्षण का मूल केंद्र रहे हैं। जहां साइलेंट फिल्मों के दौर में भी संगीत के साथ फिल्में दिखाई जाती थी, वहीं बोलती फिल्म्स और प्लेबैक के इंट्रोडक्शन के बाद गीतों के बिना हमारी फिल्मों का कोई अस्तित्व, कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। एक फिल्म में कई गीतों का होना जहां जरूरी माना जाता था, वहीं एक फिल्म में कई तरह के गीत हो इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता था। जैसे सोलो लव सॉन्ग्स, डुएट, भजन, त्योहार, पार्टी, कॉमेडी, रिश्तों और बच्चों पर आधारित गीत, सभी तरह के गीतों को मिलाकर बनता था एक फिल्म का साउंड ट्रैक। और इस साउंड ट्रैक का एक बहुत अभिन्न, बहुत अहम पार्ट होता था एक सैड सॉन्ग। शुरुआती दौर से ही सैड सॉन्ग्स या दर्द भरे गीत हमारी सभी भाषाओं की फिल्मों के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे शरीर और आत्मा। ये दर्द से भरे, दिल से लिखे और रूह से कंपोज किए गए गीत हमेशा से हमारी फिल्मों को एक मजबूत सहारा देते आए हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि वो फिल्में आज भी देखी, सराही और याद की जाती हैं जिनके सैड सॉन्ग्स सबसे ज्यादा मशहूर हुए। असल में ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें दर्द का एहसास खुशी के एहसास से बहुत ज्यादा गहरा होता है, और इसीलिए ये दर्द से भरे गीत हमारे दिलों में एक खास गहरी जगह बनाकर हमेशा जिंदा रहते हैं। इन गीतों की लोकप्रियता और रिपीट वैल्यू का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस नई सदी से पहले सैड सॉन्ग्स या दर्द भरे गीतों की एक बड़ी मार्केट हुआ करती थी, जिसमें ये अपनी फिल्मों के रिलीज के कई दशकों बाद भी बड़ी तादाद में LP रिकॉर्ड्स और कैसेट्स के रूप में बिका करते थे। सभी नामचीन गाने और लिखने वालों की सिर्फ दर्द भरे गीतों की कई कंपाइलेशंस मार्केट में रहती थी, और ये नियमित तौर पर बेस्ट सेलर्स में गिनी जाती थी। श्रोताओं में इन सैड सॉन्ग्स का एक अलग ही क्रेज और चार्म होता था, और यही कारण था कि ना सिर्फ फिल्म साउंडट्रैक्स में बल्कि प्राइवेट एल्बम्स में भी कुछ सैड सॉन्ग्स मार्केट डिमांड को देखते हुए खास तौर पर रिकॉर्ड किए जाते थे। हिंदी सिनेमा में सैड सॉन्ग्स की इस बड़ी फैन फॉलोइंग में जो नाम सबसे पहले आता है वो है KL सहगल, और उनके बाद जिस नाम का 70 के दशक तक नशा छाया रहा वो है मुकेश। सैड सॉन्ग से ही अपनी पहचान बनाने वाले मुकेश की पहली पसंद दर्द भरे गीत ही थे, और एक रेडियो इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुल के इजहार भी किया। अगर मुझे 10 लाइट गाने मिले और एक सैड सॉन्ग मिले तो मैं 10 गाने छोड़ के वो गाने के लिए एक सैड सॉन्ग गाने। सिंगर एक्टर के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले मुकेश का पहला ही प्लेबैक गीत एक दर्द भरा गीत था जो बहुत मकबूल हुआ। गीत के बोल थे, दिल जलता है तो जलने दो। अपनी सोज भरी आवाज में उन्होंने ये गीत KL सहगल की ही शैली में गाया, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे। मगर एक धीमी गति का उदास गीत होने के कारण इसे रिकॉर्ड होने के बाद भी फिल्म से निकाल दिया गया, पर जैसे तकदीर में लिखा था इसे फिर से फिल्म में जोड़ा गया, और यही गीत फिल्म और मुकेश दोनों के लिए एक वरदान साबित हुआ। अपने रेडियो इंटरव्यू में मुकेश खुद ही इस किस्से के बारे में बताते हुए कहते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो मोतीलाल पहले अपने गाने खुद गाया करते थे जी। वो पहली पिक्चर थी जिसमें उन्होंने प्लेबैक लेने की यानी शर्त मंजूर कर ली थी,
और हमने साहब ये गाना रिकॉर्ड कर दिया। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया तो पिक्चर कंप्लीट होने के बाद ये तय किया गया कि उसमें से ये गाना निकाल दिया जाए। तो हम मजर खास आपके पास गए जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर थे, और हमने उनसे पूछा कि भाई ये गाना इसमें से क्यों निकाल दिया जा रहा है। तो वो कहने भी बात है कि मोतीलाल जो हैं ये अक्सर चंचल किस्म के करेक्टर करते हैं, बॉयस्ट्रस करेक्टर्स करते हैं, और इनके करेक्टर को ये सैड सॉन्ग सूट नहीं होता है। तो हमारा बड़ा दिल टूट गया, हम बड़े उदास हुए। हमने उनसे कहा मतलब भाई हमारी एक इल्तिजा है कि आप ये गाना रहने दीजिए। कहने भाई ये चलेगा नहीं, ये बड़ा बोर करता है ये गाना, और ये पिक्चर के अंदर ड्रैग करता है ये। हमने कहा कि आप रहने दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो खैर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस चीज के ऊपर वो एग्री किया कि भाई हम एक वीक रखेंगे, और अगर पब्लिक को ये गाना पसंद आया तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसे पिक्चर में से निकाल दिया जाए। दिल जलता है तो जलने दे। पिछली सदी में बनी फिल्मों में दर्द भरे गीतों के लिए खास तौर पर जगह बनाई जाती थी, और बहुत बार यही गीत कई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस सक्सेस का एक बड़ा कारण भी बने। दर्शक इन्हीं गीतों को सुनने बार बार थिएटर्स में जाते थे, और ये गीत फिल्म के रिलीज के पहले ही उनके दिलों में अपनी जगह बना लेते थे। इसीलिए एक मेलोडियस और वेल रिटन सैड सॉन्ग किसी भी फिल्म के लिए एक बड़ा एसेट माना जाता था, और एक बेहतरीन साउंडट्रैक बाजार में फिल्म की कीमत कई गुना बढ़ा देता था। उस बीते जमाने में दर्द भरे गीतों की इम्पोर्टेंस, उनकी अहमियत बताते हुए एक किस्सा मुकेश के सुपुत्र नितिन मुकेश ने भी अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया, जो नई जनरेशन के सुनने वालों को जरूर इंस्पायर करेगा। आपको एक वाक्या बताता हूँ। दोस्त ना रहा रिकॉर्डिंग करके आए मुकेश जी, तो मैं भी उनके संग था, और इतना खूबसूरत गाया उन्होंने, वो तो आज भी गीत सुनो संगम का तो ऐसा लगता है कि इतिहास में, संगीत की इतिहास में ऐसे चुनिंदा गीत होंगे जो इतने मधुर और खूबसूरत हों, इमोशनल हों। मगर हमारा छोटा सा घर था दो रूम का, उस घर में शंकर जयकिशन साहब ने, एक पास में एक फ्लोरिस्ट की दुकान थी, वहां जाकर कहा कि जितने फूल हैं आपकी दुकान में सब मुकेश चंद के घर पे भिजवाओ। हम जब पहुंचे तो हमारा छोटा सा घर सारा फूलों से भरा हुआ था, और इतना गर्व, वो दृश्य मेरे निगाहों के सामने आज तक, अभी तक, इस क्षण तक है। तो वो फूलों से हमारा घर भर गया, फिर हमें इतनी खुशी हुई, हमने आस पड़ोस में सारे फूल बांटे, सबको गीत सुनाया। तो उसी दिन मालूम था मुझे कि ये गीत भी इतिहास लिखेगा। इस नई सदी में जहां हम म्यूजिक के गिरे हुए स्तर की तरफ उंगली उठाते हैं, वहीं एक उंगली हम दर्शकों और श्रोताओं की तरफ भी उठती है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से ही बजा करती है। फिल्म बिजनेस में ज्यादातर वही बनाया जाता है जो पिकता है, और सच ये है कि फ्री म्यूजिक की इस नई दुनिया में हम कुछ भी सुनने के आदि हो गए हैं, और बिना गीतों की फिल्मों के दौर में एक अच्छा साउंडट्रैक की मांग लगभग खत्म सी हो गई है। वीसीआर के दिनों में गाने फॉरवर्ड करके फिल्म देखने की आदत अब जरूरत की शक्ल ले चुकी है, और ओटीटी या वेब सीरीज की दुनिया में गीतों की कोई खास जगह नजर नहीं आती। फ्री स्ट्रीमिंग और डाउनलोड्स की इस नई फिजा में आज हम अपनी पसंद का संगीत अपनी मेहनत की कमाई से खरीदते नहीं हैं, और शायद यही कारण है कि उसकी गिरती हुई क्वालिटी से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सिर्फ पार्टी, डिस्को और बीट सॉन्ग्स के इस नए दौर में दर्द भरे सैड सॉन्ग्स सुनना लोगों को आज अटपटा सा लगने लगा है, और शायद इसीलिए वो ठहराव, वो गहराई और वो डेप्थ हमारे जीवन से कहीं खो सी गई है। इस सिचुएशन को अगर भगत कबीर के एक दोहे से समझें तो उनके शब्दों में, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूडन डरा रहा किनारे बैठ। इसे दुख और सुख के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हम सब कितने जोश से खुश हो पाते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उदासी को कितनी गहराई से जानते और महसूस करते हैं।
दूसरे शब्दों में आप खुशी और प्रेम गीतों को कितना जी पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दर्द भरे गीत कितनी शिद्दत और दिल से सुनते और महसूस कर पाते हैं। एक गहरे दुख का एहसास ही हमें खुशी की अनदेखी ऊंचाई तक ले जाने में सहायक बनता है, और उसके बिना हमारी खुशी बस क्षण भर की उथली उथली सी रहकर खत्म हो जाती है। तेज रफ्तार से दौड़ने वाली इस नई दुनिया में आज दर्द भरे गीत हमारी फिल्मों और पर्सनल कलेक्शन से लगभग गायब हो चुके हैं, मगर यही वो गीत हैं जो हमें जिंदगी के और करीब और गहरे में ले जाते हैं। भगत कबीर के अनुसार वही खोज पाते हैं जो गहराई में डूब जाते हैं, बाकी डर के किनारे बैठने वालों को कुछ मिल नहीं पाता। संगीत तो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, मगर फिल्म संगीत में सुख और दुख का जो बैलेंस हमें पिछली सदी में देखने को मिला था वो अब धुंधलाने लगा है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला दौर वो बैलेंस जल्द वापस लेकर आएगा, हम आपसे विदा लेते हैं और जल्द मिलते हैं बॉबी टॉक सिनेमा की इतना तो याद है मुझे सीरीज के एक नए एपिसोड में। सुनते रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी, क्योंकि आपका साथ और सहयोग ही हमें और एपिसोड्स बनाने के लिए प्रेरित करेगा।